हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत है आज की वीडियो में। तो ये आज जो हमारी छुट्टी थी, हमने कहा थोड़ा घूम के आते हैं, देख के आते हैं कि क्रिसमस का सीज़न शुरू हो गया ऑलमोस्ट, तो देख के आते हैं क्या क्या तैयारियां लगी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक लगती है क्रिसमस फार्मर्स मार्केट, तो हम जरा चले उधर देखने के लिए वहाँ पे क्या क्या लगा है। और उसके बाद आज है मामाश्री का बर्थडे हमारे, और हमें अभी भी पता चला और मामा जी ऑटवा है, ऑटवा में है। तो हमने कहा चलो बढ़िया, बस चलते हैं, मामा जी के आज बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, पहले चलते हैं, सरप्राइज देते हैं। उन्होंने हमें बताया नहीं हमको कि हम आ रहे हैं शाम को, और बस अब चलते हैं पहले क्रिसमस मार्केट फार्मर्स मार्केट। हाँ। उसके बाद फिर थोड़ी शॉपिंग, केक उठाएंगे, उसके बाद फिर मामा श्री के पास कनेडा दी सब्जी मंडी देख दे। हाँ। चलो बीस मिनट हो गए हम एक ही जगह पे खड़े हुए हैं, गाड़ियां बिल्कुल हिल ही नहीं रही। तो मैंने अभी चेक किया, जो पीछे टीडी प्लेस देखा था ना अपना, जहाँ पे गेम्स होती हैं, तो इसी लांसडाउन एरिया में यहाँ पे एक स्टेडियम भी है, इसको बोलते हैं टीडी प्लेस। हाँ। वहाँ पे आज हो रहा है एक मैच, और इसी जगह में यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भड़का है, और मुझे नहीं लगता हमें पार्किंग मिलेगी क्योंकि ट्रैफिक से ही नहीं निकल पा रहे इस टाइम हम, तो मुझे लगता नहीं मार्केट हो पाएगी। और मुझे लग रही है बहुत तगड़ी भूख और फंसी हुई हूँ ट्रैफिक में, छोटे से ऑटो में भी ट्रैफिक होगा। कभी कभी लगता है यहाँ पे, yeah. यहाँ पे पार्किंग का लोचा हमेशा रहता है इस एरिया में, पर आज कुछ ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा मारामारी है। मैच है। हाँ। और मार्केट भी 3 बजे तक है, अभी बज गए हैं 2:15। और यहाँ जो हो रहा है मैच टीडी प्लेस में, वो आइस हॉकी का मैच हो रहा है। दो ही खेल रही है, मैंने लगता चार मैच। फाइनली आधा घंटा गाड़ी इधर घुमाने के बाद जगह मिलेगी, लगा दी गाड़ी, अब भागते हैं मार्केट तरफ। वो सामने रही मार्केट, जो वो सामने मिली भी पास ही है, भागो जितना हो सकता है, देख ले। आधा घंटा हो चुका, आधे घंटे मार्केट बंद हो रही है, मतलब वो फार्मर मार्केट बंद हो रही है, बाकी जो मार्केट है वो पूरी खुली है। बाहर ही लगी हुई है, मुझे था कि वो अंदर बनी होगी मार्केट, है ना? ये पूरी फील दे रहा है क्रिसमस वाली ठंड में। हां, अंदर नहीं लगा इस बार उन्होंने। नाइस, जल्दी आओ। चलो जी, फाइनली हमने वी मेड इट, फार्मर मार्केट पहुंच ही गए हैं। बाहर जो लगी है वो क्रिसमस मार्केट है, अंदर फार्मर मार्केट लगी हुई है। यहाँ पे जो लोकल फार्मर्स होते हैं वो आते हैं, अपनी छोटी छोटी स्टॉल से बना लेते हैं वहाँ पे, जैसे हनी बनाते हैं जो लोग, हनी का जिनका फार्म है वो अपना हनी बेचते हैं, मेपल सिरप बेचते हैं, सब्जियाँ, ये वो खाने पीने का भी थोड़ा मोटा छोटा, बाकी छोटा मोटा और डेकोरेशन का सामान ये सारा हो गया, कैंडल्स हो गई। हाँ, और वही है बेसिकली यहाँ पे ना, ये लोग लोकल को भी प्रमोट करते हैं काफ़ी, तो उसके लिए उन्होंने अच्छी अच्छी जगह बना रखी हैं लोकल, अपना फार्मर मार्केट के लिए जगह फिक्स होती है इनकी। हाँ। और साल और ईयर राउंड यहाँ पे लगती रहती है मार्केट्स। हाँ। और ऐसा और यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि मंडी में सामान सस्ता मिलता है। हाँ। यहाँ की जो फार्मर मार्केट होती है वहाँ पे सब्जियाँ अगर आप लेने जाओ थोड़ी महंगी पड़ती है, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश बागों से निकल के आती है, खेतों से निकल के आती है, सॉरी, इसलिए वो होती है महंगी, पर उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो हमने भी बीच में कभी कभी एक बार ट्राई करी हुई है, काफी अच्छी निकलती है। मैंने लिया बुतीन, वैसे तो होता है फ्राइज के ऊपर ग्रेवी डाल देते हैं, चीज डाल देते हैं, बट ये इन्होंने डिफरेंट तरह बनाया है, बेक पोटैटो के ऊपर। हाँ, वेजीज है, वेजीज बोलते हैं बड़े बड़े टोमेटो के पीसेस नो, उसके ऊपर चीज डाल दी और ग्रेवी डाल दी है, उतना ऑसम नहीं है बट ठीक है। ये कितना था? ऑरेंज है, ऑरेंज लिखा है $3 का। मैंने तो पहली बार देखा ऐसा ऑरेंज। सोप का नाम देखा क्या है? पॉटी माउथ सोप। सफेद गोभी तो आप सबने देखी होगी।
क्या पर्पल देखी है? और इस शेप में गोभी देखी है? मैंने इसे पूछा था ये क्या है, कहती गोभी है बट पता नहीं क्या नाम बताया था, मुझे समझ नहीं आया। फार्मर मार्केट तो हमने देख ली, ये थोड़ी मैंने गलती कर दी है, मुझे लग रहा है अब लोगों को देख रही हूँ कोई कुछ खा रहा है कुछ खा रहा है, बट कोई ना, अब चलते हैं क्रिसमस मार्केट। वैसे तो क्रिसमस मार्केट रात को देखने का ज़्यादा मज़ा आता, लाइटें लुइटें सभी चलती है, बट अभी दिन में देखते हैं। क्रिसमस ये आ गया, बड़ा सा क्रिसमस ट्री। तो ये पीछे ये वाला है टीटी प्लेस, ये है कहते हैं स्टेडियम जहाँ पे चल रहा है मैच, और ये बिजी है अपना खाने में, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती है भाई। वैसे ये बढ़िया कि आज मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, यही अगर बर्फ़ पड़ रही होती -15-20 होता, टोपियाँ चढ़ी होती, ग्लव्स चढ़े होते, मुँह पे पट्टियाँ बंधी होती। कंप्लेन बहुत करते हो ठंड के लिए, कंप्लेन नहीं करते अपना दुख साझा करते किसान और बताते हैं भाई देखो यहाँ पे जो सोच रहे हैं यहाँ पे आने की, तो ये ऐसा नहीं है कि कहते हैं यहाँ पे स्नो में बहुत मजे आते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे पता होता स्नो पड़ती इतनी कनाडा में तो मैं शायद दो बारी सोच लेती। तुझे तो पता था, तू क्यों आया? मेरे को स्नो पसंद है इसलिए मैं आया। जितनी सारी क्रिसमस मार्केट होती है ना, उसकी मेन अट्रैक्शन है जो बच्चों के लिए होती है स्पेसिफिकली कि सेंटा के साथ फ़ोटो खिंचानी है। यहाँ पे भी लंबी लाइन लगी हुई है सबकी कि यहाँ पीछे सेंटा एक बने हैं उसके साथ फ़ोटो खिंचानी है, पेरेंट्स बच्चों को लेके आए हैं उनकी फ़ोटो होगी। बट बेसिकली यही है, क्रिसमस इज़ मोर ऑफ ए फैमिली कमिंग टुगेदर। यहाँ पे भी लोग बच्चों के साथ आए हैं, फैमिलीज के साथ आए हैं, अपना छोटा मोटा खाना पीना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, यहाँ पे क्रिसमस फोटो हो रही है, यहाँ पे वो स्नो कैंडी बन रही है, सो इट्स ऑल फेस्टिविटी इन द एयर। हमें अभी सब्सक्राइबर्स मिले थे, उन्होंने बताया यहाँ पे मल्टी कल्चरल फेस्ट हो रहा है। देसी भी है, बहुत ज्यादा शोर है यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लोग अपना अपना कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के पहुंचे हुए हैं। ना ये वाली मार्केट ऐसी सेम देखी थी अपने वैंकूवर में जब लास्ट टाइम हम वहाँ पे थे, पर वहाँ पे ना एंट्री फीस थी और वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी थी, इतनी लंबी लाइन की टिकट ले भी लो तब भी अंदर जगह नहीं थी घुसाने की, पर यहाँ मार्केट फ्री है और ज़्यादा भीड़ नहीं है, अच्छा माहौल है, बस पार्किंग के लिए बाहर थोड़ा लोचा है, बाकी अंदर बहुत मस्त माहौल है। छोटे छोटे जो ये स्टोर्स हैं इनके नाम भी बड़े प्यारे प्यारे रखे हुए हैं, हंगरी एल्फ, कुकीज बाय केट, सीज बीनी, सोल्डर मेटल्स, आगे था थॉर का कुछ, थॉर के रिलेटेड कुछ था, मैंने वो भी पढ़ा था, मेड इन कनाडा, बड़े क्यूट क्यूट से नाम है पूरे ना इस पे, पूरे ये क्रिसमस मार्केट में ना छोटी छोटी जगहों पे ये आग जला अंगीठियाँ जला रखी हैं कि ठंड ज़्यादा होती है तो यहाँ पे आके फैमिली वाले लोग बैठे, फैमिली वाले की हर कोई जो भी आता है यहाँ पे बैठे अपने चाय पिए, तो आग से देख लो, आग से। चलो ये देख ली फिर हमने क्रिसमस मार्केट, हमने फार्मर मार्केट भी देख ली, सब कुछ हो गया टाइम से, मार्केट भी देख ली तो वह सब हो गया यहाँ पे। अब अभी तो हमें शाम को जाना मामा जी के घर, नहीं तो हम यहाँ पे रुक जाते यहाँ का अपना नाइट व्यू लेने के लिए, बट लाइटें लुटे चलती तो बड़ा अच्छा अंधेरे में, हाँ तो वो आएंगे बाद में किस दिन शाम को आएंगे, अभी फिलहाल चलते हैं हम मामा जी के घर की तरफ और पहले उठाते केक, फिर चलते हैं। अगर मामा जी घर पे हुए फोर के पास सरप्राइज देने जाइए, सानू से आसान हुआ, फिर केक बाहर रख के आ जाएंगे। वी वर हियर आ गए हम लेने केक, केक लेने की तपजी जा रहा है, देखो देखो इस इंसान को, देखिए खूब
ध्यान से देखें इस इंसान को, केक लेने के लिए भाग जा रहा है। दो केक खाओ, दो केक खाओ। बट ये आप लोगों को बहुत सारा वापस ले जाना पड़ेगा। आप हमारी तरफ से सबको दो साल का लगा लो तो 5 साल। चलो दो केक, बहुत खुशी है हमें आपके बर्थडे की। बहुत बहुत मेहरबानी है आप लोगों की, बहुत बहुत बड़ी कैंडल है बड़े लोगों के लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मामा श्री, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों का मेरे जन्मदिन पे केक लाने का और आने का। केक तो हमें खाना था। गाओ ना बार बार दुनिया, चल गाओ। सुनी ठीक है? नहीं तो तुम्हें गाना बार बार दिल ये आए, लेट बार बार दिल ये आए, तुम जियो हजार साल। ये लो, अरे ये मेरी आरज़ू, डालो डालो। हैप्पी बर्थडे, चलो हो गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा हैप्पी बर्थडे टू डियर बॉबी, बॉबी आओ चेरी, आओ चेरी, मामी को तो खिला दो पहले, मामी को खिला दो जो केक लाया पहले उसे। आराम से बार बार तुम केक लाओ, आराम से यार, कुछ नहीं होता। दो जगल कर रहे हैं वो, ये ले। थैंक यू, चलो एपिसोड करते हैं। तो ये कहानी हुई है कि मामा जी मूव कर गया न्यू ब्रंसविक, न्यू ब्रंसविक की कैपिटल फ्रेडरिकटन। तो जैसे अब यहाँ से कितना 10 घंटे दूर होगा, 10 घंटे 11 घंटे की ड्राइव है यहाँ से। हम गए थे पीछे। कल हम आए हैं, कल हम 11 बजे निकले हैं वहाँ से, सुबह 11 बजे, और 2 जगह हमने ब्रेक लिया होगा। तो मैंने सीधा, यानी वहां से आओ तो हमारे इंडिया में कहते नहीं है कि नाक की सीट पे जलता रहता है, सीधी सीधी रोड है, ठीक है जी। तो वहां से 250 किलोमीटर मैं असल में क्या कहते हैं, मैंने शहर तो वहाँ ऐसे है कि यहाँ गाड़ी जा रही है तो अगली पता नहीं कहाँ दिखेगी, बट बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा, चौड़ी चौड़ी सड़क है और बहुत, मेरे को तो यानी ऑटो ठीक है, अच्छा है, भरा भूरा है, लेकिन जिनको थोड़ा सा नेचर से लगा हुआ है ना, क्योंकि यहाँ आसपास देखना पेड़ भी हमारे यहाँ आसपास कम है, वहाँ गए आप अकेला बंदा भी नहीं है ना तो भी पेड़ बातें करते हैं यार, ऐसा लगता है यानी बहुत अच्छा लगता है। तो आस नदी है ये है, तो हम वहाँ से 11 बजे सुबह चले हैं और यहाँ के टाइम के हिसाब से घंटे का फर्क है, यहाँ के टाइम से हम 9 बजे पहुँच गए, तो 10 घंटे की पूरी ड्राइव है, लेकिन वो ड्राइव के बस सीधी चलते रहो, यानी अनाड़ी भी चला लेगा आदमी। हाँ। तो इतनी लंबी हो जाती है। बाय बाय मजे।
तूने कितनी ऊंची डाली है? डालो थोड़ी थोड़ी सी ऊंची है बस। थोड़ी है, थोड़ी है, थोड़ी है। खड़ी हो जो था। हाँ फिर भी जमीन की हाइट है। हाइट तो है। मैं तुमके पास खड़ा हूँ। हाँ फिर तो बनता है डालना। मैं तो कहता हूँ सुधार डाल अगर मेरे सुपर निकला कर। मेरे को शुरू से नमी लगे पसंद है। मुझे नहीं लगता कदा, लेकिन अब पता लग रहा है तू काफी लंबा है। ये लंबी लगती है ना तो वो अब तो इतने डेढ़ इंच और ऊंचा कर दिया हमने। डेढ़ इंच है, चलो ठीक है, चलो भाई क्या कर सकते हैं अब, काट सकते हैं थोड़ा सा। नहीं काटने में और जुड़ना था। चलो बाय बाय, होगी बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, हम चलिए वापस घर और करिए आराम। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम मामा श्रीज घर।